नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी अस्तु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं बिल्कुल शांत रूप से होंगे। वही मेरी भगवान से प्रार्थना भी है। जैसे कि मैं आपको दशा के बारे में पढ़ा रहा हूं, डिफरेंट ग्रहों की दशा में, डिफरेंट ग्रहों की महादशा में, डिफरेंट ग्रहों की अंतर दशा कैसी जाती है। तो पिछली बार अभी चंद्रमा की खत्म हुई थी, अब मंगल की स्टार्ट होनी है कि मंगल की ग्रह की महादशा हो और उसमें डिफरेंट ग्रह की अंतर दशा हो तो कैसी दशा जाती है, कैसा फल मिलते हैं। जो ऋषि पाराशर ने बताए हैं बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, उन्हीं फलों का मैं वर्णन करूंगा, उन्हीं फलों के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। महादशा है और मंगल की ही अंतर दशा है, क्योंकि जिस ग्रह की महादशा होती है सबसे पहले अंतर दशा उसी ग्रह की आती है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया है कि मंगल की महादशा हो और उसमें मंगल की ही अंतर दशा किसी की हो तो क्या फल मिलेगा। तो वो कहते हैं, कुजे स्वांतर गते विप्र लग्नात केंद्र त्रिकोणे गे लाभे वा शुभ संयुक्ते दुश्चक्के धन संयुक्ते। देखिए, कुजे स्वान अंतर्गते यानी कि मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, कुजे मीन्स कुछ बोलते हैं मंगल को। अगर मंगल लग्नात केंद्र त्रिकोण गे, लग्न भाव लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभे वा शुभ संयुक्ते लाभ भाव में हो या शुभ ग्रह से युत हो, दुश्चिक्के धन संयुक्ते द्रष्ट हो, शुभ ग्रह से द्रष्ट हो, और धन संयुक्ते मीन्स के धन भाव में हो, यानी मंगल की महादशा हो और मंगल की अंतर दशा हो और मंगल लग्न से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या शुभ ग्रह से द्रष्ट हो, युक्त हो या धन भाव में हो तो क्या होता है। लग्नाधिपेने संयुक्ते राजा अनुग्रह वैभवम, ऐसे में राजा के अनुग्रह से यानी वैभव प्राप्त होता है। राजा के अनुभव से, अनुग्रह से मींस एक गवर्नमेंट की साइड से, या आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपकी कंपनी में आपके सीईओ के साइड से या अपनी कंपनी के साइड से आपको बहुत ज्यादा वैभव मिलता है, प्रमोशन मिलता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है। लक्ष्मी कटाक्ष चिन्हानी नष्ट राज्यार्थ लाभ करते हैं। नष्ट राज्य अगर आपका होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो पैसा नष्ट हुआ होगा, कोई पैसा बिजनेस में आपका नुकसान गया है, तो वो पैसा भी आपका वापस आएगा और लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी। पुत्रो स्वादी संतोषो ग्रहे गोक्षीर संकुलम। पुत्रो स्वादी यानी कि पुत्र का जन्म हो सकता है। आप देखिए, मंगल की महादशा है और मंगल की अंतर दशा है और पुत्र लाभ भी हो सकता है इसके अंदर। तो कितनी आप ये देख के चल सकते हैं इसके अंदर कि ऐसा नहीं कि कोई ग्रह उस भाव को एक्टिव कर रहा है तभी वो भाव एक्टिव होगा, तभी वैसा पैदा बच्चा पैदा होगा। अगर पांचवा भाव एक्टिव हो, मंगल की अंतरदशा हो और मंगल इन भावों में बैठा हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से त्रस्त हो, तो ये सब चीजें प्राप्त होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, राजा का वैभव प्राप्त होता है, राजा से नष्ट राज्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र मतलब ये संतान की प्राप्ति होती है, संतोष मिलता है बहुत। और ग्रहे गोक्षीर संकुलम, घर में पशुओं की वृद्धि होती है, गौ की वृद्धि होती है, यानी आज के डेट में आप लगा लीजिए तो आज के अगर हम वातावरण में देखें इस चीज को, तो हम कह सकते हैं कि घर में वाहन आते हैं, वाहनों की वृद्धि होती है। तो ये मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के बारे में बात चल रही है। अब इसके विपरीत वो कहते हैं कि अगर मंगल बलशाली, मंगल बलशाली कैसे, यहां तो हो लेकिन स्वच्छे व स्वरक्षे भाव में स्वांशे व बल सही। अब वो कहते हैं कि उच्च राशि में हो, स्व क्षेत्र में हो या स्व नवांश में हो। स्वांशे मीन्स स्व नवांश में, यानी नवांश में भी मंगल अपने ही नवांश में गया हो, मेष में हो या वृश्चिक की राशि में गया हो, मंगल बल संयुक्त हो तो क्या होता है। ग्रह क्षेत्रा भी वृद्धिश्च गोम हिष्यादि लाभ कृते महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ सिद्धि सुखा वहा। ग्रह क्षेत्र का यानी घर का लाभ होता है, घर में वृद्धि होती है। मकान अगर आपके पास एक है तो आप दूसरा मकान भी खरीदते हैं। गौ माता की कृपा आपके ऊपर होती है, गौ आप खरीदते हैं यानी आप वाहन खरीद सकते हैं, लाभ आपको मिलता है। महाराज प्रसादेन, महाराज की तरफ से आपको प्रसाद मिलता है, यानी राज्य से आपको सहायता मिलती है, गवर्नमेंट से आपको प्रमोशन मिलता है, प्राइवेट कंपनी में आपको प्रमोशन मिलता है। श्रेष्ठ सिद्धि आपकी सिद्धि होती है, जो भी बातें आपने सोची होती हैं या जो चीज आप सिद्ध करना चाहते हैं उनकी सिद्धि होती है। और सुख चारों तरफ फैलता है, सुखवाहा, सुखावारी सुख चारों तरफ फैलता है। तो मंगल अगर बली भी हो यानी केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, दूसरे भाव में हो और साथ में बली हो, तो ये उन्होंने और कह दिया कि मंगल बली कैसे हो,
कि उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो या स्व नवांश में हो, फल संयुते हो, तो राजा की कृपा से सभी इच्छित कार्य पूर्ण होते हैं तथा हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अथा अष्टम व्यय भौमे पाप द्रग योग संयुते मूत्र कच्छादि रोगश्च कष्टाधिक्यम वणाद्यभ्यम चौराहिराज पीड़ा च धन धान्य पक्षुष है। यानी वो कहते हैं अथा अष्टम व्यय, यानी यदि मंगल अष्टम या द्वादश भाव में हो, पाप द्रग योग संयुते, पाप ग्रह से युत हो या पाप ग्रह से संयुत, इसके विपरीत। अभी तक तो हमने लग्न से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बात की थी, अब हम कह रहे हैं कि मंगल आठवें भाव में हो या बारहवें भाव में हो और पाप ग्रह से युत हो या पाप ग्रह से संयुत हो तो क्या होता है? मूत्र कृच्छ रोग होता है, यानी कि मूत्र विसर्जन करने में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, कष्टाधिक्यम अत्यधिक कष्ट होता है, सर्पदंश की चिंता रहती है, चोट लग सकती है, राजदंड मिल सकता है, चौराहा राज पीड़ा यानी कि राजदंड मिल सकता है, गवर्नमेंट से आपको पेनल्टी मिल सकती है, प्राइवेट कंपनी में है तो आपका हो सकता है कि डिमोशन हो जाए, या प्राइवेट कंपनी में हो सकता है कि आपको कोई आपका इंक्रीमेंट कट जाए, वह धन धान्य पक्षुच है और जो आपके धन धान्य है आपके वाहन है उनका क्षय होता है, उनकी हानि होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल का आठवें और बारहवें भाव में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर मंगल आठवें बारहवें भाव में हो, पाप ग्रह से युत हो या द्रष्ट हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मंगल की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में, जातक को मूत्र प्रच आदि रोग, अत्यधिक कष्ट, चोट, सर्पदंश, राजदंड, पशु हानि तथा खाद्यान्न का संकट भय होता है, यानी खाने तक के संकट हो जाते हैं इसके अंदर। इसके लास्ट में वो कहते हैं कि अगर मंगल मार्ग भाव का स्वामी द्वितीय द्युन्नाथे तेहजाड्यम मनोव्यथा तद्दोष परिहारार्थम रुद्र जाप्यम च कार्येत अनडवाहम प्रदध्या च रुद्र जाप्यम च कार्येत तेन तुष्टो भवेद भौम शंकरस्य प्रसादत आरोग्यम कुरुते तस्य सर्व संपत्ति दायकम। क्या मतलब बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मंगल अगर द्वितीय या सप्तम भाव सप्तमेश हो, यानी सेकंड भाव का लॉर्ड हो या सातवें भाव का लॉर्ड मार्ग भाव का स्वामी हो, मंगल यदि आपकी कुंडली में द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी हो तो मंगल की महादशा में, मंगल की अंतरदशा जो है वो आपको शारीरिक कष्ट देती है, मानसिक चिंता देती है और इस अनिष्ट समण के हेतु ये अनिष्ट जो भी अनिष्ट होता है इस कारण से, अगर द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल है, द्वितीय भाव में मंगल का बैठना अच्छा है जैसे पहले श्लोक में दिया था कि लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो या द्वितीय भाव में, लेकिन द्वितीयेश के रूप में और सप्तमेश के रूप में अगर मंगल की महादशा है और मंगल की अंतरदशा है तो मानसिक चिंता रहती है और ऐसे अनिष्ट कार्य के शमन हेतु, यानी कि इस तरह के अनिष्ट कार्य आपके साथ होंगे तो उनके शमन हेतु, उनको दूर करने हेतु आपको रुद्र जप, भगवान रुद्र का जप करना पड़ता है, बैल का दान जरूरी होता है और इन शुभ कार्यों से मंगल की शांति होती है तथा भगवान शिव की कृपा से आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह बृहत पाराशर में लिखा है, इसका यही रेमेडी है कि अगर मंगल इस तरह से आपकी कुंडली में हो, द्वितीयेश या सप्तमेश हो और उसकी अंतरदशा चल रही हो तो भगवान शिव की पूजा करें, उनकी कृपा से आपको मंगल की शांति होगी और आरोग्य एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम लोग अभी एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप में से जो भी इच्छुक हो वो अपना दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।